गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हम सब जानते हैं ना, लिविंग थिंग वो होते हैं जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी जीवित वस्तुएं जिनमें जान होती है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड अब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स। ये सब क्या है? लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग वो होती हैं जिन्हें निर्जीव वस्तु भी कहते हैं, जो सांस नहीं लेती हैं, हिल नहीं सकती हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, वो बढ़ती नहीं है, है ना, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, यानी निर्जीव वस्तु। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, देखो, लिविंग थिंग नीड फूड। लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना। अब हम डिफरेंस बता रहे हैं आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में। तो लिविंग थिंग को तो क्या चाहिए? खाना। और नॉन लिविंग थिंग कभी खाना मांगती है क्या? आपकी बुक, आपके डस्टर, आपका बैग आपसे कभी खाना मांगता है? नहीं ना। लेकिन आपको और एनिमल्स को, सबको खाना चाहिए ना, प्लांट्स को, ठीक है। तो लिविंग थिंग नीड फूड। फिर लिविंग थिंग ग्रो। जो लिविंग थिंग है, पहले हम जैसे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े होते होते आप अपने मम्मी पापा के बराबर हो जाते हो, फिर दादाजी के, जितने हम लोग बढ़ते रहते हैं, है ना। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है वो कभी बढ़ती है क्या? आप उनको देखते हो, जब आपकी अभी बुक जितनी है, अभी फोर्थ क्लास में जितनी है थी, उतनी ही आपकी फिफ्थ क्लास में रहेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आप फिफ्थ क्लास में हो जाओगे तो आपकी बुक की लेंथ बड़ी हो जाएगी, नहीं ना। यस, नेक्स्ट, लिविंग थिंग कैन मूव। जो लिविंग थिंग है वो हिल सकती है, मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आप लोग हैं, आप घर से स्कूल जा सकते हो, मार्केट जा सकते हो, या फिर आपको जहाँ पे भी खाना खाने के लिए जाना होता है आप किचन में जा सकते हो ना, है ना। लेकिन नॉन लिविंग थिंग जैसे कि आपने बुक, आपके बैग, पेन, पेंसिल, आप जहाँ रख देते हो वहीं पड़ी रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप रखते तो वो अपने रूम में हो और वो स्कूल में अपने आप चली जाती है क्या? नहीं ना। ठीक, तो फिर ये मूव करती है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो तो मूव करते ही नहीं है, वो तो अपन जहाँ उगाते हैं वहीं पे ग्रो रहते हैं, वो तो हिलते ही नहीं है, है ना। लेकिन वो भी बेटा मूव करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हवा नहीं चलती है फिर भी आप ऑब्जर्व करो प्लांट को, तो वो उसकी प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं, वो हिलती है ना। आप देखना अपने गार्डन में या अपने खेतों में जहाँ पे भी पेड़ है वो हिलता है, है ना, ठीक है। और कुछ पेड़ होते हैं जैसे कि सनफ्लावर होता है, है ना। सनफ्लावर ये क्या होता है, जब जिस तरफ भी सन का माउथ होता है उसी तरफ अपने आप टर्न कर लेता है। इसे आप थोड़ी ना घुमा के आते हो, अपने आप ये टर्न कर लेता है, है ना। जब अभी यहाँ सूरज है तो इसका माउथ इस तरफ है, अब सन इस तरफ आ गया तो इसका भी माउथ दूसरी तरफ घूम गया है, देख रहे हो ना। इसीलिए जो लिविंग थिंग है वो मूव कर सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लिविंग थिंग ब्रीथ। सबसे इम्पोर्टेंट, हम सब लिविंग थिंग, जितने भी फिश है, आपके फ्रॉग हैं, या जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम सब किससे लेते हैं? हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे हम लोग की नोज होती है, वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा होता है, अपनी लीव से वो सांस लेते हैं, और जो फिश होती है वो अपने गिल से सांस लेती है, है ना। और जो सबके जितने भी एनिमल्स हैं, किसी के नोज होती है, किसी वो सब, कोई अपनी स्किन से, कोई गिल से, सब सांस लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, और लेकिन आपके जो नॉन लिविंग थिंग है वो ब्रीथ नहीं करती, डू नॉट ब्रीथ, ओके। नेक्स्ट, लिविंग थिंग फील। जो लिविंग थिंग है वो महसूस कर सकते हैं, है ना।
लिविंग थिंग महसूस कर सकते हैं, बट डोंट जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो डू नॉट फील, वो फील नहीं करते हैं। अब फील क्या होता है? महसूस करना। महसूस कैसे? जैसे कि आपको सर्दी लगती है ना, तो आप स्वेटर पहन लेते हो। गर्मी लगती है, आप फैन चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, है ना, तो आपको पता चलता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होती है, उसको चाहे आप धूप में रख दो, वो आपको कहती है कि हाँ मुझे छाया, धूप लग रही है, मुझे छाया में ले चलो, या आप उनको कपड़े पहनाते हो? नहीं ना, तो क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लिविंग थिंग होती है वो फील कर सकती हैं, और नॉन लिविंग थिंग फील नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।